मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा से ईडी की टीम मनरेगा से संबंधित और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पूछताछ कर रही है। बेचैनी में रही पूजा सिंघल की रात, हुटवार में मुश्किल से कटी तो दिन में ईडी कार्यालय में एसी में भी पसीने में ही बीतेंगे। आलिशान जिंदगी जीने की शौकीन उद्योग सचिव पूजा सिंघल अब जेल के सलाखों में हैं। जेल के सलाखों में जहां उन्हें काफ़ी रात को करवटें बदल बदल कर रात बितानी पड़ी, वहीं आज राजधानी रांची के ईडी कार्यालय में उनको एसी में भी ईडी के सवाल पसीने छुड़ा देंगे। और अब अभिषेक झा जो उनके पति हैं और पूजा सिंघल दोनों ईडी के कार्यालय पहुंच चुकी हैं। ईडी के कार्यालय में इस समय उनसे गहन पूछताछ की जा रही है, जिससे एसी कमरे में भी पूजा सिंघल को पसीने छूट रहे हैं। उद्योग सचिव होने के साथ ही वो खनन सचिव भी हैं, इसे लेकर भी आने वाले समय में सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मनरेगा मामले में उनकी पूछताछ चल रही है। पूजा सिंघल को गिरफ्तार करके कल जब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल भेजा गया और उसके बाद से जैसे ही रात के 10 बजे रांची के होटवार जेल में उन्होंने प्रवेश किया और मेन गेट का दरवाज़ा खुला तो उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी अधिक बढ़ गया, वह बेहोशी की हालत में आ गई। जेल प्रशासन के दो सिपाही आनंद फानंद में दवा दुकान पहुँचे और ब्लड प्रेशर की दवा लाकर पूजा सिंघल को दी। दवा खाने के बाद पूजा सिंघल का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ और उनकी स्थिति सही हुई। इसके बाद पूजा सिंघल को महिला वार्ड में भेज दिया गया। रात को महिला कैदियों के साथ उनकी मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने किसी से बातचीत नहीं की, अपने सेल में जाकर काफ़ी देर तक बैठी रहीं। महिला कैदियों ने ढाढ़स बंधाया, लेकिन बिना किसी से बात किए वो लेट गईं। पूजा सिंघल की रातें करवटें बदलते ही बीती। इधर जेल से पहुंचने से पहले जेल प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि रात के समय पहुंचने वाले कैदियों के लिए संतरी से लेकर सुरक्षाकर्मियों को दरवाजे खोलने पड़े। रजिस्ट्री में एंट्री की गई। जेलर मोहम्मद नसीम के अनुसार पूजा सिंघल को आम कैदियों से अलग सेल में रखा गया है। पूजा सिंघल जेल जाने पर काफ़ी अपसेट थी, उन्हें खाने के लिए रोटी सब्जी दाल और सलाद दिए गए, लेकिन उन्होंने रोटी के चंद टुकड़े खाकर ही खाने से मना कर दिया। हालाँकि उनको पीने के लिए मिनरल वाटर ही वहाँ पर अच्छा लगा, इसलिए जेल प्रशासन ने भी मिनरल वाटर की व्यवस्था कराई। जेल की में मच्छरों की काफ़ी समस्या है, महिला वार्ड में ज़्यादा मच्छर लगते हैं। आईएस पूजा सिंघल के लिए जेल प्रशासन की ओर से मच्छरदानी और ऑल आउट की व्यवस्था की गई थी। हालांकि उन्होंने अपने सोने वाली जगह पर मच्छरदानी तो नहीं लगाया, लेकिन ऑल आउट बेहद ही काम आया। पूजा सिंघल आलिशान जीवन जीने की शौकीन हैं, लेकिन जेल में जाते ही उनको अपने दुख भरे दिन याद आ गए। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि पूजा सिंघल जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को अगर पहले से ही सीख मिली होती तो इस तरह के उनको अंजाम नहीं भुगतने पड़ते। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची, हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।